किस तरीके से बाबा जी कहते कि क्या चेंज, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं कि टिकैत जो है बहुत करोड़पति हैं, ये देखिए घोड़ा भी है यहाँ पे, ये घोड़ा भी है, ये पूरा हॉल उन्हीं को समर्पित है। दूसरा टिकैत और कोई पैदा नहीं होने का। ज्योति की खासियत ये है कि ये कभी भी बंद नहीं होता है, घुसता नहीं है। ये किसान ज्योत जल रही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात और आज हम पहुंचे हुए हैं सिसौली में, मुजफ्फरनगर के सिसौली में। यहां पर राकेश टिकैत का घर है, किसान यूनियन के अध्यक्ष, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, ये वो उनका घर है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यहीं पर रहते थे और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या है उनके घर में, यहाँ पर कौन कौन से लोग किस तरीके से आते हैं और क्या है, पूरा घर का माहौल दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, देखिए गेट है और हम अंदर जा रहे हैं अब और दिखाते हैं आपको कि ये द्वारा जो होता है गाँव का वो है, और इससे अंदर आते जाएंगे तो बिल्कुल गांव में जो माहौल होता है वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये उनका घर है पूरा। एक बार देखिए घर को, देखिए अलग अलग तरीके की यहाँ पे गाय हैं, ये भी गाय है। ये देखिए घोड़ा भी है यहाँ पे, ये घोड़ा भी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इसमें बैठते हैं, ये हॉल है और इस हॉल के अंदर भी जाएंगे, और हॉल के बगल में ही आप देख सकते हैं एक ये जो हिरन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर पाला गया है। देखिए गांव के ही एक भैया हैं, वो आपका क्या नाम है? जयवीर सिंह, कॉन्ट्रैक्टर है वरना। कब से यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का हिरन और सारी चीज़? हम तो सब कुछ बहुत दिन से देख रहे हैं हम जी, यहीं के रहने वाले, यहीं अब पैदा आ रहे हैं, इनके जाते हैं। तो टिकैत के मतलब जो बाबा थे उनके समय से ही पहले से चलेगा, घोड़ी है सब, रहना सब पल है सबसे। तो इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त रहता है? खाने पीने का पहले दूध पे थे, पड़ा था, और अब रोटी वगैरह खावे, सब कुछ करे, रोटी वोटी सब खा लेते हैं, रोटी वोटी सब खा ले। अच्छा, तो और क्या मतलब यहाँ पे घोड़े भी हैं? घोड़ी है, वह घोड़ी पाल रखी। तो मतलब कैसे इनका उपयोग? किसान का जीवन है अपना, घूम फिर ले, सवारी कर ले, कभी कभी सादा जीवन है किसान, बहुत सादा जीवन में मतलब यहाँ पे रहते हैं लोग। हाँ, सब अपने पशु पाले, दूध का डे कर, सब बच्चे सब काम कर, ऐसी कोई बात नहीं। खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल देसी, एकदम देसी है, मट्ठा ले और सुबह नाश्ते में, और सब खाने पीने की सुविधा, ये एक सादा किसान है, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं कि टिकैत जो है बहुत करोड़पति है, ऐसा है वैसा है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एकदम देसी अंदाज में लगते हैं। देसी अंदाज है, किसान जमीन से जुड़े है, और सीधा साधा खाना है, और व्यवहार है सब कुछ, और जनता की सेवा है। बिल्कुल वही हमने भी देखा यहाँ पर कि किस तरीके का पूरा अच्छा सा माहौल है एकदम। और अब हॉल के अंदर आपको ले चलते हैं, आइए। देखिए ये हॉल है, जो लोग आते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है बकायदा, और ये उनके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता यहीं से हॉल से ही। और यहाँ पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जाने के बाद यहाँ पर उनकी स्मृतियाँ सजोई गई हैं इस हॉल में। आप देख सकते हैं कि इधर तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं, किस तरीके से बाबा टिकैत की क्या जेल यात्राएं रही हैं, क्या किसानों के लिए संघर्ष रहा है, और उनको ही भेंट किया गया है। ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि बड़े आंदोलनों का इसमें लिखा गया है, कब कब हुआ, करम खेड़ी बिजली घर, मेरठ कमिश्नरी, रजबपुर,
बोट क्लब दिल्ली, अलीगढ़, नईमा कांड, भोपा, तमाम चीज़ों का जिक्र है इसमें। और 2002 में जब गिरफ्तार हुए थे, बस्ती जाते समय रामपुर में गिरफ्तार हुए थे, उसके पहले 1990 से लगातार जेल यात्राएं चौधरी टिकैत ने की है। और उनका जन्म 6 अक्टूबर 1935 को हुआ था चौधरी टिकैत की, और उसके बाद उनका स्वर्गवास 15 मई 2011 को हो गया था। और उसके बाद ये पूरा हॉल उन्हीं को समर्पित है, देख सकते हैं इसमें तमाम प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो है, मनमोहन सिंह जी के साथ फ़ोटो है, उसके पहले के तमाम आंदोलनों के फ़ोटो हैं। देखिए किस तरीके से ठेठ बिल्कुल देसी अंदाज में रहते थे, और आज भी उनका घर, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि इस घर में आज भी जैसे महेंद्र सिंह टिकैत थे, वैसे उनके जो बेटे हैं राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन चल रहा वहाँ पर हैं, और नरेश टिकैत जो उनके बड़े भाई हैं जो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो सब लोग बिल्कुल उसी अंदाज में आज भी रहते हैं। और ये तमाम तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। ये पूरा हॉल उन्हीं को समर्पित है। इस पूरे हॉल में महाराजा सूरजमल की फ़ोटो लगी हुई है, और उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत की फ़ोटो लगी हुई है। आइए कुछ और हिस्सों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो इस घर में है। तो ये जो टिकैत बाबा हैं उनका ये घारी है जहाँ पे गाय और जानवर को पाला गया जाता है और यहाँ पे खिलाया जाता है, रहते हैं। और एक जो है अद्भुत चीज़ आपको दिखाने वाले हैं जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के यादों में एक दीप चलता रहता है हमेशा, ज्योति एक जलती रहती है, जिस तरीके से इंडिया गेट पर लगातार एक ज्योति जलती है, अमर ज्योति जवान ज्योति, उसी तरीके से यहाँ किसान की ज्योति यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत की याद में एक ज्योति जलती है। उसको हम दिखाएंगे कि वो लगातार ही घी से जगमगाता रहता है वो पूरा कमरा, और उसमें बताते हैं 24 घंटे में 1 किलो घी लगभग लग जाता है। आइए हम उसके भी दिखाते हैं। यहाँ पर आइए तो देखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो कमरा है इसमें एक ज्योति जल रही है, और ये समर्पित है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। ये ज्योति की खासियत ये है कि ये कभी भी बंद नहीं होता है, बुझता नहीं है, और ये लगातार जगमगाता रहता है कमरा, और घी से ही जलता है। आप देख सकते हैं 1 किलो घी रोज़ाना इसमें लग जाता है, और ये लगातार ये जलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। और महेंद्र सिंह टिकैत के समय पर से ये जल रहा है। और यहाँ पर एक बिस्तर है, और बिस्तर के साथ ये हुक्का का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की याद में है कि उनका बिस्तर हमेशा बदला जाता है, और उस पर चद्दर लगाई जाती है साफ करके, और ये वहीं पर इस तरीके से सजोया गया है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत आज भी इसी तरीके से रह रहे हैं। ये इस बारे में क्या कहेंगे जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनकी ज्योति जो यहाँ पे जलती जल रही है? ये किसान ज्योति जल रही, ये 1 मार्च 1987 को यहाँ से किसान गए थे वहाँ श्यामली, और इसे ज्योत को जला कर गए थे, तो फिर वहाँ 2 किसान शहीद हो गए पुलिस की गोली थे, एक PSC का भी कमांडर मारा गया था उसमें, तो उसमें फिर बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी वो रही बातचीत। तो 1987 में वीर बहादुर भी आए थे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी लंबा संघर्ष चला। तो उसी दिन तक इसी उसमें सबने सोचा भाई कुछ ना कुछ ऐसा चाह, तो यह ज्योत है बस, यह ज्योति जल रही, किसान ज्योति, कोई इसका कोई खास ऐसा मकसद भी नहीं, तक हम किसी का इसका वो है, सब किसान चला रहे, किसान घी दे रहे, और इसमें
24 घंटे में 1 किलो घी लग जा देसी, चल रही है। किसी कोई कह दे भाई वहाँ घी की कमी लगी तो 15 किलो का टीन है बढ़िया जो देसी है, तो यहाँ पूछवा दे तो चलता रहे। नहीं तो स्मृतियों के रूप में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनका जो ये हुक्का वाला और वो बिस्तर। हाँ, हुक्का का शौक था उन्हें पहले ही, तो हुक्का में हुक्का पिए तो शाम को एक चिलम भर कर रख दे यहीं, जैसे हुक्के को ताज़ा करके और यहाँ रख दे अपना, ठीक है। एक और एक उनकी याद ताज़ा रहो जाग भाई, मैं हुक्का पिए थे बस एक ऐसा लगे जने बजने ठीक है साहब यही है, इनका बिस्तर लगा दे अपना, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कुछ नहीं, बस एक एक दिल की बात है भाई, ठीक है। हुक्के का शौक उन्हें है बजने हुक्का रख दे ना, हमें किसी ने कोई बताया ना कि भाई हमें कुछ ज़रूरी है या कुछ इसके इसमें कोई अडम्बर है कुछ, हम ऐसा वो दिखा रहे एक बार लोग नहीं, बस शाम को एक चिलम भर के और एक गेट बंद कर दे अपना, ठीक है। देखिए खाने पीने का भी बंदोबस्त यहाँ पर लगातार चलता रहता है और चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्या बना रहे हैं भैया आप? हलवा है जी, आलू है, पेठा पूरी है। हलवा आलू पेठा पूरी रायता, ये लगातार बनता है या आज ही बन रहा है? ये तो बस है 4-5 दिन तक, जब तक जोर से रह गए भंडारे का ये चलते रहेगा, पंचायत का जब तक जोर रहेगा। माँ पंचायत चल रहा है इसलिए ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ आदमी आते जाते रहे 500-700 आदमी तो हजारों भी हो जाए रोज, लगभग इतने तो आते जाते ही रहे, 500-700 लोग आते रहते हैं। तो गाँव आपका यहीं गाँव है? हाँ जी, यही इसी चोली जी। अच्छा, खाना बना रहे हैं और ये महापंचायत होने वाली है इसलिए जो है खाना बन रहा है, भंडारा बन रहा है और ये लगातार चलता रहता है। यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कि हमेशा 500-700 लोग आते रहते हैं लगातार और इसी तरीके का माहौल यहाँ पर बना रहता है। और भारतीय किसान यूनियन, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की एक तरीके से नींव रखी गई थी महात्मा टिकैत के द्वारा महात्मा, और उसके बाद से लगातार जो उनकी पीढ़ियाँ हैं वो संभाल रही हैं और आज नरेश टिकैत जी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो आपने देखा कि हिरन से किस तरीके से यहाँ पर पाले गए हैं और जो गाय है, भैंस हैं, घोड़े हैं, तमाम तरीके के जानवरों का भी शौक है इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं। गांव में अभी जा रहे हैं, यहाँ पर किसान भवन देखने जा रहे हैं कि जो किसान भवन है वो अपने आप में ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वही देखने जा रहे हैं। तो ये किसान भवन की जगह है और यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ जी किसान भवन में ये मंदिर है, किसान भवन में पहले यही पंचायत होती थी, पहले सब कुछ यहीं होता था, अभी भी यहीं हो। ये इनके मूर्ति पूर्ति लग रही चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह की 4 मूर्ति है और वो बना लग रहा किसान भवन में, यहीं जोत पोत यही जुड़े सब। अच्छा, किस किस की मूर्ति है? चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत है। हाँ। और बीच में नहीं इंग्लैंड सब उधर। हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं और इधर चौधरी चरण सिंह बीच में। हाँ, फिर रिश्ते हैं जी अनुंदा स्वामी है और एक और है कौन सा है वो। तो यहीं पे सारी मीटिंग्स होती है, मतलब सारी पंचायत सब कुछ यहीं पहले तो यहीं हो, अपने इसमें बहुत जोर था उसका पूरा भराव करता था। यहाँ से सब भरा भर के जी बना, देखो इसके ये मंदिर है पहला ही काल देवी का और ये सब बात ऐसे बनने जा रहा है, इसमें अंडरग्राउंड मामला है नीचे वो सब सिस्टम है, पर वो है पहले यहीं सब खड़ी हुई है, सब कुछ यहीं तरी चला। अच्छा अच्छा, तो अभी कौन सी पहले इसके पहले मीटिंग कौन सी किस उसमें हुई थी, मतलब पंचायत यहाँ? यहाँ तो ढेर पंचायत हुई जी, ढेर हुई। यहाँ तो देवगौड़ आया, वो जो क्या नाम है पहला मुख्यमंत्री था इनका, वो आया अंतर, तो यहाँ तो सब आए, यहाँ तो ढेर नेता है, यही हुआ था यही। अच्छा अच्छा, समाधि है इसकी टिकैत साहब की। हाँ, टिकैत साहब के दो बैल थे जिससे खेती करा थे, उनका अंतिम संस्कार भी यही करते दबा दी थी। तो कहीं ना कहीं मतलब सारी चीजें यहीं पे सजोई गई हैं, मतलब बैल का भी अंतिम संस्कार यहीं पे, मतलब समाधि उसकी है और समाधि बनेगी यहाँ पर उनकी है। अच्छा अच्छा, अभी बन रहा है किसान? हाँ, संग्रहालय बनेगा जी, इसमें सब सामान दे जाएंगे। अच्छा, सारे सामान रखे जाएंगे, म्यूजियम एक तरीके से। हाँ, सब सामान क्या क्या? पुराने मशीन है ना, ट्रैक्टर है, हल है,
पथ है, जितने बड़े किसान के काम आते हैं पुराने। अच्छा, पुराने जो किसानों के सामान है वो यहीं पे रखे जाएंगे ना। अच्छा, ये जो बाबा जी है चौधरी साहब, ये पहले कोसा के अध्यक्ष थे। कोसा के अध्यक्ष है। अच्छा, अच्छा अच्छा, तो अभी यहीं रहते हैं, ये सेवा में यहीं रहेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत के चौधरी के ये कोसा अध्यक्ष पहले बताए जा रहे हैं। क्या नाम है? दरियाव सिंह चौधरी। दरियाव सिंह, मेरा नाम है दरियाव सिंह। अच्छा अच्छा, आप भारतीय किसान यूनियन? हेलो भाई, राजनीतिक? बहुत लंबे समय से जुड़े हैं आप? हाँ, बहुत लंबे समय। अच्छा, तो ये यहाँ पर मतलब अब आप ही बुजुर्ग में बचे हैं या फिर अभी और भी लोग? और कोई नहीं बच रहा भाई। गुमांडो में भी नहीं, मेरे जोड़ कर गुमांडो में भी नहीं। हाँ, मैं ही बच रहा। क्या मतलब अभी उनको याद करते हैं आप? और याद नहीं करता मैं। चलो कमरे में दिखाऊं तुम्हें, डॉक्टर दिखाई देता है खोल के। याद नहीं करता मैं, हाथ जोड़ू उसका आगे, पाँव पकड़ू उसके, उसके टिकट के पाँव पकड़ू मैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन सिसौली का मुख्यालय सबसे पहला, मुख्यालय सभी पहला अभी कहाँ है? यही है। तो ये भारतीय किसान यूनियन सिसौली, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जो है 1988 का ये बना हुआ मुख्यालय, यही है, हेडक्वार्टर है। तो ये देखते हैं यहाँ पर किसानों का किस तरीके से सामान भी यहाँ पे कुछ रखे गए हैं। सब खजाना ही रहता, पैसा वगैरह सब कुछ यही रहता, यही रहता है। अच्छा, ऐसे ही मतलब यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं? कोई सब कुछ आता है, सब कुछ यही था। अध्यक्ष है आज, वो भी है। तो आज आज यहाँ पे क्या होता है? बस वही सिस्टम चल रहा है जो पहले वाला था। नुक्का नहीं है ये, नुक्का नहीं चल रहा है सब किसानों का। फोटो लग रही है सब किसान यूनियन में 1987 से, और ये जितने पहले आंदोलन हुए इनमें सब शहीद हुए इस आंदोलन से पहले। हाँ, बाबा टिकैत का बताया गया नुकसान, ये पढ़ लो। सच्चाई के पत्ते 2 तोला, ईमानदारी के बेड़े 3 तोला, उदारता का अर्क 2.5 तोला, परोपकार के बीज 3 तोला, लज्जा भय शर्म 4 तोला, सहनशीलता के डंठल 4 तोला, संगठन के बेड़े 4 तोला, चरित्र का गुद्दा 5 तोला, स्वाभिमान का बारूदा 15 तोला, सत्संग का रस 4 रत्ती। अच्छा, सत्संग का रस 4 तोला, ये तोला क्या है? मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है। तोला हो सुनार के, जिसमें सोना तोल लिया। 10 ग्राम का एक तोला हो। अच्छा, 10 ग्राम का एक तोला वो तोला है यहाँ सुनार के यहाँ पवे हो। ये बाबा टिकैत के नुक्से हैं। हाँ, ये नुक्से हैं उसके। हाँ, ये फोटो में ले लो या वो डाल लो तुम, नहीं तो ले आता मैं। इसे तो फोटो में ले जाओ दूर दूर लो तार के। में जो तुम बड़े थे वहाँ जो जल रही वहाँ देखा तुमने, वो वहाँ सी खाट भी है एक शाम को, एक जो जल रही, एक हुक्का भर के दे रह जा, एक कपड़े भी छे उस खाट पे, शाम को फिर वहाँ सी उसका हुक्का भर जा बाबा का। तो क्या बता रहे हैं, मान्यता है कि मतलब कि वो भगवान के रूप में एकदम? हाँ जी है, शक्ति है कुछ ना कुछ। मतलब क्या थोड़ा बताएंगे, मतलब क्या किस तरीके की शक्ति है, कैसे? बस कोई हुआ यहाँ से पहले, और वो टिकैत उसकी आत्मा थी, टिकैत साहब के बतलावा था वो उसकी। मतलब ऐसे गांव के सारे लोग यही मानते हैं? हाँ जी, यही है, यही है, ये हकीकत। बाबा आप कुछ बताना चाहते हैं, क्या शक्ति है बताते हैं गांव के लोग, भगवान की शक्ति है उसमें? वो तो अवतार था, शक्ति क्या थी? वो तो अवतार था, शक्ति का क्या मतलब? टिकैत से अजमिता से पैदा नहीं होने का, कोई दूसरा टिकैत और कोई पैदा नहीं होने का। अच्छा, अजमिता अच्छा, ये संग्रहालय बन रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? ये तो जी बहुत दिन लगेंगे, ये तो बहुत लंबा चलेगा, ऊपर भी बनेगा और ये भी तो बहुत सामान बनेगा इसमें।
अभी बन रहा है, मरम्मत जारी है और इसमें काम चल रहा है, काफ़ी लंबा समय अभी बताया जा रहा लगेगा। ये संग्रहालय बन रहा है, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।